पश्चिम बंगाल से एक ऐसी हैरान कर देने वाली खबर सामने है जिसको सुनने के बाद हर कोई दंग रह गया। एक शिक्षिका को कुछ लोगों ने स्कूल के अंदर घुसकर नंगा कर कर पीटा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में तीर मोहनी प्रताप चंद्र हाई स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दोस्तों एक शिक्षिका ने एक कक्षा 9वीं की छात्र को कान पकड़कर डांटा था क्योंकि वो क्लास में शोर मचा रही थी। ये जो क्रिया होती है वो हर एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ करता है और एक नॉर्मल सी बात है, बच्चों को समझाने का एक तरीका है। लेकिन दोस्तों इस पूरे कृत्य से जो परिवार वाले थे इतने ज़्यादा नाराज हो गए कि कुछ दिन बाद करीबन 35 लोग उस स्कूल में घुसकर उस शिक्षिका को बुरी तरीके से मारते पीटते हैं। इतना ही नहीं, उसके कपड़े भी उतार दिए जाते हैं और उसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया। जब ये बात दोस्तों सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो सभी ने इसके ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया दी और पश्चिम बंगाल के कई लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। यहाँ पे दोस्तों एक हैरानी की बात बताऊं तो जो स्कूल का प्रिंसिपल था उसने अभी तक कोई FIR दर्ज ही नहीं कराई थी, लेकिन जब जनता द्वारा इस पे प्रोटेस्ट हुआ तब जाकर ये FIR दर्ज कराई गई। ये तो दोस्तों जो पूरा कृत्य किया गया है ये एक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किया गया है, ऐसा दानिश भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है। तो अल्पसंख्यक समुदाय आप जानते हैं वो कौन है, कितने पीसफुल होते हैं। तो ये पूरा मामला कुछ इस प्रकार का है। अब दोस्तों यहाँ पर यह पूरा मामला जब हाईलाइट हुआ तो बीजेपी सांसद सुकांत मनोजदमदार ने भी इस पे अपना बयान दिया। सुकांत मनोजदार ने इसके पीछे रियल वजह बताई। जब वो शिक्षिका से मिलने गए, उनसे 1-to-1 कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया इसके पीछे का पूरा मामला। दरअसल दोस्तों कुछ दिन पहले उस शिक्षिका ने जब उस छात्रा के कान पकड़े थे, उसे डांट लगाई थी, तो उस डांट के कारण, उस कान पकड़ने के कारण उस छात्रा का जो हिजाब था वो गिर गया था। हिजाब गिरने के कारण यहाँ पे जो परिजन थे वो इतने नाराज हुए कि करीबन माना जाता है 35 लोगों को घुसकर उस टीचर को पीटा गया है। अब यहाँ पे ये पूरा मामला इस समय बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है और पश्चिम बंगाल आप जानते हो वो कैसा राज्य है, कौन सी सरकार वहाँ चल रही है। तो बहुत ज़्यादा जस्टिस की मांग करने के बाद अभी तक सिर्फ 4 लोग के ऊपर FIR लिखी गई और उन्हें अरेस्ट किया गया, बाकी सबको यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो लोग फरार हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से टीचर यूनियन भी इसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी के कई लीडर्स वहाँ पे इस टीचर के खिलाफ यहाँ पे जस्टिस की मांग कर रहे हैं। आप इस पूरे मामले पे क्या अपना ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वैसे खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट को मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।